सीएस रैंक अपडेट के बाद बहुत सारे प्लेसेस चेंज हुई है, किसी भी प्लेयर को कुछ भी पता नहीं है। ये ट्रिक जानकर आप बहुत ही आसानी से अच्छे खास प्लेयर को किल कर सकते हो। एंड जो आपको हेडल बस बताने जा रहा हूँ, यूट्यूब में किसी ने आपको बताया नहीं होगा, ये सारे के सारे न्यू हेडल बस बताने वाला हूँ। तो वीडियो से बने रहना लास्ट तक, एंड लास्ट कुछ ऐसे हेडल बस बताने वाला हूँ कि वो देखकर दिमाग आपका बिल्कुल बूम हो जाने वाला है। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। सो नंबर 10 पे होने वाला ये वाला घर। अब देखो, आपको पता था ये वाला घर चेंज हो चुका है? नहीं पता होगा, लेकिन यार देखो ये वाला घर चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको मिनिमम 4 गुलाल का यूज करना पड़ेगा। एंड देखो फ्री फायर में अब 5 गुलाल बहुत ही आसानी से मिल जा रहे हैं सीएस रैंक के अंदर, तो आप बहुत ही आसानी से 4 गुलाल तो यूज कर ही सकते हो। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने गुलाल सेटअप किया है ना, आप भी सिंपल से इस टाइप में कर देना। एंड देखो यार ना, जो लास्ट वाला गुलाल ना, आपको इस साइड ना कैमरा एंगल चेंज करके सेटअप करना पड़ेगा। एंड आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो कैसे गुलाल सेटअप कर रहा हूँ, कैसे सेटअप नहीं कर रहा हूँ। एंड बहुत इजी इसी ट्रिक को फॉलो करते करते आप बहुत ही अच्छे खासे हेडल प्लेस पे आ जाओगे। एंड यहाँ पर बहुत ही ऊपर अब ये हो चुका है, तो आप और भी अच्छे खासे किल निकाल सकते हो यहाँ से। एंड एनवी को भी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। एंड एनवी अब तो बहुत ही ज़्यादा कम हमें यहाँ पे डैमेज दे पाएगा, तो अब और भी अच्छे से फायदा उठा सकते हो उसका। एंड यहाँ पे देखो मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन बंदों को बहुत ही आसानी से किल कर दिया। अब एक जो बंदा था ना, ये वाला जिसको मैं डैमेज दे रहा हूँ, ये फटाफट घर के अंदर चला जाता है। तो फटाफट मैं नीचे यहाँ पे जंप करता हूँ, एंड बहुत ही आसानी से मैं इसको किल करके यहाँ पे मैं भुया बहुत ही आराम से कर ही लेता हूँ। गिफ्ट टाउन की बात करें तो ये वाला घर देख ही सो, तो भाई ये भी चेंज हो चुका है। क्या आपको ये भी पता था? हाँ, ये वाला भी घर चेंज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखो मैं एक मिस्टेक करता हूँ। यहाँ पे 4 गुलाल की बजाय मैं 5 गुलाल लगाता हूँ। लेकिन देखो, अगर अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा बिगनर में था, मुझे एकदम फर्स्ट टाइम ही पता चला कि ये घर चेंज हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पे ना 4 गुलाल की जगह 5 गुलाल यूज करता हूँ। तो फिर मुझे दोबारा जब मैं गुलाल यूज करता हूँ ना, जो तब मुझे पता चलता था कि हाँ ये ट्रिक तो 4 गुलाल के साथ यूज हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मैं गुलाल सही से यूज सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप 5 गुलाल भी ऐसे लगाओगे ना, तो बहुत ही आसानी से ये बड़े वाले रुख पर चले जाओगे। अब जब रुख पर आ जाओगे तो देखिए सो, तो पूरा केप टाउन हमें यहाँ से बहुत ही आसानी से दिखता है। एंड हम बंदों को बहुत ही आराम से हेडशॉट लगा के उनको किल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बहुत ही आराम से बुया भी कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिक अप्लाई करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप जब भी गुलाल को सेटअप करना, थोड़ा सा ध्यान से सेटअप करना, क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक अगर हो जाता है तो आपको 5 गुलाल को सेटअप करना पड़ेगा। एंड लास्ट में एक और बंदे को बहुत ही आसान से किल करता हूँ, एंड यहाँ पर बहुत ही आराम से बुया भी हो जाता है। बात करते हैं नंबर 8 प्लेस ऑब्जर्वेटरी की। अब ऑब्जर्वेटरी ने पता है कि आपका प्लेस चेंज हो चुका है? नहीं पता होगा, मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही खतरनाक वाला प्लेस चेंज हो चुका है। यहाँ पे एक नहीं, दो प्लेस चेंज हुआ है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं ग्लोव सेटअप कर रहा हूँ, आप भी सिंपल से सेटअप कर देना। अब ये ट्रिक यूज करना ना भाई, बहुत बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। आपको सिंपल से यहाँ पे जंप करना है, ग्लोव पर जंप करना है। लेकिन अब देखो यहाँ पे सिंपल से क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो ना यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे जंप किए हैं ना, तो ये थोड़ा सा और नीचे हो गया है भाई, पता नहीं से क्या बोलेंगे, बट इसे तो और ये भी नीचे हो गया है। एंड हम आसानी से इसके ऊपर अब जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं बहुत इजी यहाँ पे आ चुका हूँ, एंड बंदों को बहुत ही आराम से किल कर रहा हूँ। अब बोलो कि भाई दूसरा प्लेस कहाँ पे जा चुका है? अभी देखो हेडल बस बता रहा हूँ ना, तो देखो उसका भी वेट करो। एंड मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा प्लेस चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे आकर मैं बहुत ही अच्छे खासे किल निकालता हूँ। एंड लास्ट में एक और भी बंदा था, तो उसको भी बहुत ही आराम से किल करता हूँ। एंड गाइस यार देखो, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जैसे कर लेना। इतनी मेहनत लगा कर वीडियो बनाने में सच में बहुत बहुत मेहनत पड़ती है। एंड इतनी मेहनत से मैं ये एक ही हेडल बस तक खोजता हूँ, तो प्लीज यार एक लाइक जो उसे बनता ही है, तो लाइक करके चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब से कर देना। एंड अब बढ़ते हैं नंबर 7 वाले हेडल बस तरह। अब देखो नंबर 7 हेडल बस भी चेंज हो चुका है, ये भी आपको नहीं पता होगा। तो देखो यार, जितने भी हेडल बस बता रहा हूँ ना आज के वीडियो में, सारे के सारे न्यू हेडल बस बता रहा हूँ, तो यार वीडियो को स्किप करने की तो गलती करना ही मत आज। एंड यहाँ पे देखो, जैसे मैं गोला सेटअप कर रहा हूँ, आप भी सिंपल सेटअप कर रहे ना। आप बोलोगे भाई ये सेटअप क्यों कर रहे हो, इतना लंबा सेटअप क्यों कर रहे हो? अभी यार देखो, लंबा सेटअप करना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि हम सिंगल प्लेयर है। अभी यार देखो, जो अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ में खेलते हो, तो आप मेरे दर्द को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन अगर आप डुओ
खेलते हो ना, तो आप बहुत ही आसान से हील ट्रिक का यूज करके आप इस रूप पर आ सकते हो। लेकिन अब देखो यार, हमने अब अकेले अगर हमको आना होगा ना, तो हमें लंबा दो गुलर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जो अगल बगल डस्टबिन थी ना, वो यहाँ पर हट चुकी है। इस प्लेस के अगल बगल जो डस्टबिन थी वहाँ से हट चुकी है, तो हम वॉल के ऊपर जंप करके आसानी से यहाँ पर नहीं जा सकते, हमें गुलर लगा के आना ही पड़ेगा। अब देखो फैक्ट्री पे विंटर वाला सीजन आ ही चुका है, जब विंटर वाला सीजन यहाँ पे आ ही चुका है, तो क्यों नहीं कुछ न्यू हिडन प्लेस बता दी जाए। तो यहाँ पे एक मस्त वाला हिडन प्लेस बताने जा रहा हूँ। अब इस हिडन प्लेस का यूज करने के लिए आपको दो ग्लोव यूज करना पड़ेगा। लेकिन देखो ये कभी कभी हिडन प्लेस वर्क करेगा, कभी कभी वर्क नहीं करेगा। लेकिन देखो जैसे मैं इस ट्रिक का यूज कर रहा हूँ, अब इस ट्रिक का यूज करके अब बहुत ही आराम से इस बड़े वाले आइस क्यूब के ऊपर आ सकते हो। एंड यहाँ पे जो जितनी छोटी छोटी आइस है ना, उनको फोड़ के हटा सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत ही आराम से एनमी किल कर सकते हो। एंड एनमी को पता नहीं चलेगा कि आप उनको डैमेज कहाँ से दे रहे हो, लेकिन उनको फटाफट किल करना पड़ेगा। प्लस पे एक और हिडन प्लस बताते चलता हूँ। अब देखो इस को कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो जब इसे मेरा टीममेट यहाँ पे जंप करते हुए जा रहा ऊपर ना, आपको सिंपल से इस टाइप में जाना है। यार मैं एक बार और बताया था, तो बहुत सारे बंदों को समझ में नहीं आता, तो मैं सिंपल से मेरा टीममेट भी मुझे आपको दिखा करके दिखा दिया। एंड मैंने भी बहुत ही आराम से करके दिखा दिया। तो देखिए सो तो ये ट्रिक कुछ इस टाइप से वर्क करेगी। एंड यहाँ पे देखो मैं सिंपल से आपका लेट चुका था, एंड मेरे सामने बंदा आता है ना, तो मैं सिंपल से यहाँ पे इसको ओपन करके फटाफट फायर करना शुरू कर दूँ। एंड बहुत ही आराम से बंदा बहुत ही आराम से किल हो जाता है, क्योंकि उसको उसको मुझे पता ही, उसको ये नहीं पता चल रहा था कि डैमेज तो पड़ ही है, लेकिन पड़ कहाँ से रही है उसको यही पता नहीं चल रहा था। एंड जितने उसको पता चलती है, जितने देर में मैं उसको बहुत ही आराम से किल कर सका था, किल कर दिया था। तो यार यहाँ पे देखो आप बहुत ही आराम से ये हिडन प्लेस का यूज करके यहाँ पे आ सकते हो, एंड बहुत ही आराम से हाइड भी हो सकते हो, एंड एनमी को बहुत ही आराम से किल कर सकते हो। तो अब हिडन प्लेस बताने जा रहा हूँ कैटलिस्ट ऑफ प्लेस का। अब ये देखो बहुत ही तगड़ा हिडन प्लेस है, लेकिन आपको इसमें इस तगड़े हिडन प्लेस में एक ही शर्त है कि आपको एनमी को जूम करके किल करना पड़ेगा। आपको ऐसे गन को लेने पड़ेगी जो कि गोली जो है ना बिल्कुल ऐसे सर फायर करे, आई मीन कि बहुत ही जल्दी जल्दी फायर करे। एंड आपको ना फटाफट एनमी को फटाफट फिनिशिंग कर देना होगा। तो देखो जैसे मैं इसको एनमी को किल किया हूँ ना, आप भी सिंपल से ऐसे किल कर देना, लेकिन आप डाउन मत करना। देखो डाउन करोगे ना तो एक ही रिस्क है। रिस्क क्या है कि रिस्क ये है, अगर कोई बंदा दो बंदे अगर एक ही साथ में खेलते होंगे, एंड अगर वो अपने आपस में बात करके खेलेंगे ना, तो आप अगर बोलोगे कि अब मैं यहाँ पर डाउन हूँ, एंड देखो यहाँ पर वो बंदा ना आपको आई मीन कहना मैं ये चाहता हूँ कि वो बंदा आपकी पोजिशन बहुत ही आराम से रिवील कर देगा। तो किसी भी एनमी को किल करना ना, फटाफट किल कर देना कि वो आपको पोजीशन ना बता ना पाए अपने टीममेट को। एंड यहाँ पे लास्ट में एक बंदा आता है, तो उसको बहुत ही आराम से ग्रेनेड को फेंकता हूँ, एंड उसको बहुत ही बंदा ये आराम से डाउन हो जाता है, एंड यहाँ पे हमारा विक्ट्री हो जाता है। अब बताने जा रहा हूँ कौन सा हिडन प्लेस सबसे तगड़ा हिडन प्लेस। अब देखो ये हिडन प्लेस देखो बोलोगे ना भाई क्या बता दिया यार, बहुत ही बड़े वाले हिडन प्लेस का मैं कि किंग हो। अब देखो क्या बता दिया, देखो यार सीएस का हिडन प्लेस चेंज तो हो चुका है, लेकिन ये वाला प्लेस चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे देखो जैसे मैं ग्लोव सेटअप कर रहा हूँ, आप भी सिंपल सेटअप कर देना। एंड यहाँ पे आपको मिनिमम 4 ग्लोव सेटअप तो करना ही पड़ेगा, उससे कम तो नहीं जा सकते। अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने ग्लोव पर जंप करूंगा ना, अब भी सिंपल से इस सेटअप में जंप करना, एंड बहुत ही आसान है, सीरियस में बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन बस शर्त एक ही है कि आपको 4 ग्लोव का यूज करना पड़ेगा, तो बहुत ही आराम से यहाँ पे आ जाओगे। अब देखो यहाँ पे बहुत ही आराम से आ चुका हूँ, एंड एनमी को ऐसे आराम से किल कर सकता हूँ जैसे कि मैं किल कर रहा हूँ ना, आप भी आराम से ऐसे किल कर सकते हो। तो इसी बात पे चैनल पर जो लोग यार न्यू होंगे सब्सक्राइब जैसे कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करो यार, लाइक जैसे कर देना, एंड ये वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड पास में शेयर करना। अब टाइम आ चुका है लास्ट वाला हिडन प्लेस बताने की तरह। अब देखो लास्ट वाला जो हिडन प्लेस है ना, ये सिंपल ही है, लेकिन आपको बहुत बहुत ज्यादा रैंक पुशिंग करने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी सीएस रैंक का न्यू सीजन स्टार्टिंग ही है, एंड बंदे जो है ना वो खचा खच एकदम से फाइट करना ही शुरू कर देते हैं। लेकिन आप इसी चीज का फायदा उठाकर आप यहाँ पे आकर ना फटाफट यहाँ पे आ जाओगे, तो बहुत ही आराम से एनमी किल कर दोगे। एंड गाइस देखो अगर चैनल पर आप न्यू हो ना, तो प्लीज यार चैनल पर न्यू को सब्सक्राइब जैसे कर देना, वीडियो को लाइक नहीं हो तो लाइक जैसे करो, एंड ये फ्रेंड को ये वीडियो को अपने फ्रेंड पर जरूर शेयर करो, क्योंकि वीडियो बनाने में सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत पड़ रही है। तो यार देखो आप ऐसे सपोर्ट जरूर से कर देना कि हम आगे बढ़ते रहे। एंड गाइस आप कमेंट करो जरूर से ये बताओ, कमेंट करके बताओ कि मैं प्ले एंड एक्सप्लेन की सीरीज स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, जोर से कमेंट कर बता देना, मुझे आपकी कमेंट की जरूरत।